लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या सी सेक्शन के बाद पैरों में दर्द होना सामान्य है? आइए बताते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से बच्चे की डिलीवरी की जाती है। आमतौर पर सी सेक्शन की जरूरत कई गंभीर मामलों में पड़ती है, जैसे गर्भ में बच्चे की पोजिशन, एक से अधिक ज़्यादा बच्चा होना, प्लेसेंटा से जुड़ी समस्या या महिला को स्वास्थ्य से परेशानी होने पर। सी सेक्शन प्रोसीजर जितना क्रिटिकल है, इससे रिकवरी भी उतनी ही मुश्किल होती है। आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सी सेक्शन में रिकवरी में भी ज़्यादा समय लगता है। वही सी सेक्शन की वजह से महिला के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाना भी मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, सी सेक्शन के बाद कई महिलाएं पैरों में दर्द का शिकायत करती हैं। सवाल यह है, क्या वाकई सी सेक्शन के बाद महिलाओं को पैरों में दर्द होता है? क्या महिलाओं को सी सेक्शन के बाद पैरों में दर्द होना सामान्य है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सी सेक्शन से गुजरने के बाद महिलाओं को पैरों में दर्द होता है, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सी सेक्शन के बाद पैरों में हो रहे दर्द के कारण रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होने लगती है और उन्हें कई तरह के असुविधाओं से भी गुजरना पड़ता है और उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम भी होती है। वैसे तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये दर्द भी कम हो जाता है। इसके बावजूद महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि सी सेक्शन के बाद पैरों में हो रहा दर्द के पीछे कहीं कोई अतिनिहित कारण तो नहीं है। जैसे सर्जरी के बाद कई तरह की जटिलताओं को बढ़ना, नसों से जुड़ी परेशानी होना, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आना, पैरों में ब्लड क्लॉटिंग होना आदि। अगर आप सी सेक्शन के कारण पैरों में हो रहे दर्द से सी सेक्शन के बाद पैरों में हो रहे दर्द का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नर्व इंजरी, सी सेक्शन के बाद एपिडुरल की स्थिति में नर्व में चोट लग सकती है। ध्यान रखें कि एपिडुरल एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें एपिड्यूरल स्पेस में दवा इंजेक्ट की जाती है जिसमें मस्तिष्क तक दर्द का संकेत पहुंचने वाली नसों को शून्य किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार महिला की नसों में चोट लग सकती है जिससे उनके पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा महिला ने सी सेक्शन से पहले नेचुरली डिलीवरी की कोशिश की है तो इस प्रक्रिया के दौरान भी नसों में चोट लगने के कारण पैरों में दर्द हो सकता है। मांसपेशियों में थकान, आमतौर पर सी सेक्शन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में किया जाता है इसलिए ज़्यादातर महिलाएं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती हैं। जब तक उन्हें पता चलता है कि उन्हें सी सेक्शन करवाना है, इसके पहले वे वजाइनल डिलीवरी की कोशिश कर चुकी हैं। ऐसे में अलग अलग पोजिशन में बैठने या डिलीवरी करने की कोशिश करती हैं, नतीजन इस अवस्था में उनकी बॉडी थकान और कमजोरी से भर जाती है। इस स्थिति में पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सी सेक्शन के बाद कई महिलाओं को कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। इसकी वजह से पैरों में सूजन हो जाती है और दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में पैरों में सही तरह का ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है। ध्यान रखें कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम का रिस्क उन महिलाओं को अधिक होता है जिनके लेबर को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास किस्म की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।